वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छा फेस वॉश बताऊंगी। सर्दियों में बहुत अच्छा है ये फेस वॉश इस्तेमाल करना, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसे इस्तेमाल करके आप एक अपने फेस को क्लीननेस देंगे और साथ साथ ये आपकी जितने भी स्किन पर डेड सेल जमा हो गए हैं, जैसे कोल्ड क्रीम सर्दियों में लगानी पड़ती है, मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, उससे डेड सेल जल्दी वो स्किन पर बहुत जल्दी खिंच जाते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। तो इस फेस वॉश को इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को बहुत ही जल्दी साफ कर सकते हैं। ये कलर फेयर करने का भी काम करेगा और ये एक तरीके से एंटी एजिंग फेस वॉश है जो आज मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ आपको फेस वॉश करने से ही इतनी सारी आपकी जो फेस की प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएंगी। ये स्क्रब का भी काम करेगा, क्योंकि स्क्रब करेंगे तो आपकी स्किन पर जितने भी, जैसे ठंडे मौसम में आप कोल्ड क्रीम लगाते हैं तो उससे क्या होता है, स्किन पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्रीम की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पर व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ये उन्हें भी रिमूव करने का काम करेगा। तो खाली फेस वॉश करने से ये आप अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें इस्तेमाल करना है आपको सबसे पहले थोड़ा सा चिरौंजी का पाउडर। चिरौंजी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए, स्किन पर जितने भी आपके डेड सेल्स हो गए हैं उन्हें रिमूव करने के लिए। और इसमें आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा चावल का आटा, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए। तो इसमें हम ले रहे चिरौंजी का पाउडर और चावल का आटा, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो नींबू के छिलके होते हैं उसका पाउडर, क्योंकि नींबू के छिलके बहुत ही जल्दी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है ना उसे दूर कर देते हैं, कलर फेयर करने का काम करते हैं, ब्लीच का काम करते हैं और स्किन पर आपकी अगर दाग धब्बे हो गए हैं उन्हें भी रिमूव करने का काम करते हैं। बहुत ही जल्दी ये आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। और नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नहाते टाइम या नहाने से थोड़ी देर पहले आप इसे फेस पर लगा कर छोड़ दीजिएगा और अच्छे से फेस वॉश कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अब इसे हम नॉर्मल पानी में मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरीके से नॉर्मल पानी में आपको इसे मिक्स करना है और इसको आपको अच्छे से जैसे स्क्रब करते हैं आप स्क्रब करते करते इसे फेस पर लगाइएगा और उसके बाद आप इसे लगभग 1 से 2 मिनट छोड़ दीजिएगा और उसके बाद फिर फेस को वॉश कीजिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका स्किन पर, बहुत ही जल्दी कलर फेयर होगा, क्योंकि जो हमने इसमें चिरौंजी ली है वो स्किन को बहुत ही जल्दी फेयर करने का काम करेगी और इसमें नींबू के छिलके आपके जितने भी फेस पर दाग धब्बे हो गए उन्हें दूर करेगा और जो हमने इसमें चावल का आटा लिया है वो स्ट्रेंथ ग्लो का काम करेगा। तो ये एक फेशियल फोम है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।